ये हमारे अरुणाचल विकास परिषद एंड हमारे डॉक्टर तावा निर्मली फाउंडेशन की तरफ से आज हम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट को बचाना है। एक ही उपाय है कि हम जितना सके हर एक आदमी कम से कम 10 पौधा लगाए, उसकी नियम को रखते हुए आज हम लोग ने अरुणाचल विकास परिषद और डॉक्टर तावा निर्मली फाउंडेशन ने शुरुआत किया है। कल हम डीड में थे तो आप वहाँ पे आरओ की इनोग्रेशन की है, तो कितने नंबर्स ऑफ आरओ इनोग्रेटेड हुए या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट किए? आरओ हमने जितना भी हमारे 16 एच एल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में लगाया है, फिलहाल मैं सिर्फ कल दीद का इनोग्रेट किया हूँ। बाकी हमारे जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल उसको भी हम इनोग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को स्वच्छ पानी चाहिए। सर, देखा गया है कि कल सब्जेक्ट टीचर की कमियाँ थी कल वहाँ पे, तो इस पे आप किस तरह काम करोगे? सब्जेक्ट टीचर की कमियाँ हमारी दीद स्कूल में कमियाँ तो एक ही थे, एक का था, और हमने साइंस मैथ्स टीचर की कमियाँ थी उसको ट्रांसफ़र किया और ज्वाइनिंग नहीं किया है। अदरवाइज वहाँ दीद में टीचर की कमियाँ नहीं है। और एक चीज़ नोटिस किए हैं वहाँ पे, जो कंडीशन है क्लास की, क्लासरूम की और बाथरूम की, तो उनको रिनोवेट करवाने के लिए आप कुछ करोगे क्या? हमारे जो स्कूल की हालत पूरी अरुणाचल में है, हमारी 4000 की ऊपर स्कूल है, उसमें जितने भी स्कूल जो बनाया गया है हमारे अर्लीज 50s 60s 70s 80s का है, तो इस साल तो आप सबको मालूम है कि बजट में ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया गया है, उस पेज वाइज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, और इसके लिए हमने ऑलरेडी टास्क फोर्स और हमारे कमिश्नर के अंदर में हमने कमेटी सेटअप किया है, और जहाँ जहाँ बिल्कुल हालत ख़राब है उसको हम लोग पार्ट्स पेज में लेंगे। उसी प्रकार बाकी जितने भी 4000 स्कूल को पेज वाइज करके हम 3-4 सालों में करने की कोशिश करेंगे, और ये जो मुद्दा को हम कैबिनेट में ले जाएंगे।